हाईवान आई एम दिपांशो सिंह यूर एजुकेटर मैंटोर एंड फ्रेंड एंड आज हम लोग बात करेंगे सोशोलॉजी ऑप्शनल के बारे में वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर ऑप्शनल है इन यू पी एस सी एग्जामिनेशन इन द पास्ट फ्यू ईयर्स अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टॉप रैंक स्पेशली इन दॉप हंड्रेड रैंक्स है सोशोलॉजी ऑप्शनल इसके बारे में मैं आज आपको इस लेक्चर में भी बताऊंगा ऑल्सो आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद सोशोलॉजी लेना चाहते होंगे या डबल माइंड में होंगे कि सोशोलॉजी लें या नहीं लें क्योंकि uh, बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ा अनफेमिलियर सब्जेक्ट है एंड सम ऑफ यू माइट हैव स्टडीड सम पोर्शन ऑफ हैलॉजी इन योर ग्रेजुएशन बट फॉर मोस्ट ऑफ यू इट माइट बी अ अम्पलीटली न्यू सब्जेक्ट बट ट्रस्ट मीट्स मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स टू नॉट जस्ट स्टडी फॉर दिस एग्जाम बट ऑल्सो इट हेल्प्स यू इन एनालाइजिंग योर डेली लाइफ ट्रस्ट मी सोशोलॉजी जो है आपके लाइफ के हर एक दिन में आप जो भी काम कर रहे हैं उससे वो जुड़ा हुआ है सो लेट मी जस्ट गिव यू ब्रीफ अबाउट दिस सब्जेक्ट एंड देन आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट टूडे की सोशोलॉजी को पढ़ने का अप्रोच कैसा रहता है एंड वील ऑल्सो भी डिस्कसिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ सोशोलॉजी जो थिंकर्स करके है मतलब मोस्ट क्रूशल चैप्टर भी है क्योंकि अगर इस चैप्टर पे आपकी ग्रिप आ गई उसके बाद जनरली पेपर वन बिकम्स वेरी इजी बिकॉज मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स जो uh, पेपर वन के हैं दे कंटेन एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर एंड पेपर में भी ऑल्सो इंडियन थिंकर्स आर देयर बट देन दे हैव अ क्रॉस लिंकेज विद पेपर वन थिंकर सोशोलॉजी ऑप्शनल लेने के कुछ इनहेरेंट एडवांटेजेस हैं वॉट आर दोज एडवांटेजेस फर्स्टली इज इन योर ऐसे पेपर जनरली ऐसा होगा कि दो क्वेश्चन आएंगे आएंगे जो आपके सोसाइटी सोशल इश्यूज सोशोलॉजी से कहीं ना कहीं रिलेटेड होंगे तो अगर आपने सोशोलॉजी ऑप्शनल अच्छे से पढ़ा हुआ है यू कैन यूज पॉइंट्स इन एंड स्कोर रियली गुड मार्क्स तो ऐसे में आपको दो एटलीस्ट ऐसे क्वेश्चन uh, मिलेंगे ऐसे पेपर के अंदर जो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो सोशोलॉजी से डायरेक्टली लिंक आया इट्स विमेन रिलेटेड इशूज हेल्थ इशूज एम्पावरमेंट ये सारे टॉपिक हम लोग सोशोलॉजी में कहीं ना कहीं किसी पहलू में इसको पढ़ते हैं दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज इज जी एस वन जिसमें सोसाइटी वाला जो टॉपिक है ऑलमोस्ट सेवेंटी फाइव मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो इस पेपर में आता है फ्रॉम सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज तो इस पोर्शन में भी आपको सोशोलॉजी ऑप्शनल काफी ज्यादा हेल्प करेगा इन स्कोरिंग रियली गुड मार्क्स जनरलीगेन रिलेटेड सोसाइटी हैारी प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं काफी फोकस है सो ऑल ऑफ दोन बी आज इन जी एस वन एंड पूरा का पूरा एक चैप्टर ही है अगर आप देखे सोशलॉजी ऑप्शनल मेंस्पेक्टिव एंड ऑब्वियसली रिलेटेड टू वेमेन रिलेटेड इशूज तो जीएस वन में आपको एडवांटेज मिल गया देन इवन इन जीएस टू फॉर दैट मैटर आप देखेंगे सोशल जस्टिस के अंदर थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिलेगी यहाँ पे देन जीएस थ्री इकॉनमी में पेपर में आपको हेल्प मिलेगी अगेन वेमेन रिलेटेड इशूज इकोनॉमिक आस्पेक्ट उसका सोशल डायमेंशन क्या हो सकते हैं एंड अगेन जीएस फोर एथिक्स इसमें जो सेक्शन ए है आपका सेक्शन ए में मोस्टली थिंकर्स से रिलेटेड सवाल आ जाएगा काल मार्क्स रिलेटेड महात्मा गांधी जी के क्या विचार हैं डॉक्टर अंबेडकर के पर्सपेक्टिव को पूछा जा सकता है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में एथिकल ऑब्वियसली एथिकल एस्पेक्ट से उसको आप, आपको अप्लाई करना है बट कई बार ऐसा होगा कि वो जो आपने सोशोलॉजी में जो जो नॉलेज गेन की है उस सब्जेक्ट में वो आपके काम आ जाएगी और वो वहां पर भी आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी एंड ये सारी चीजें जो है ये इस ऑप्शनल को अपने आप में एक बहुत इंपैक्टफुल और पावरफुल ऑप्शनल बनाती है एंड दैट इज इट इज ऑल्सो प्रीफर्ड बाई अ लॉट ऑफ टॉपर्स क्योंकि क्या है कि जो भी वो ऑप्शनल में पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप देखें इतने सारे पेपर से क्रॉस लिंकेज है एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो हेल्पिंग देम स्कोर रियली गुड मार्क्स इन दीज चैप्टियली ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एंड प्लस वट एवर यू आर स्टडिंग इन करंट अफेयर्स जो भी आजकल आपका न्यूज में आ रहा है उसका कहीं ना कहीं आप देखेंगे मोर देन सेवेंटी टू एटी परसेंट इज लिंक चाहे वो फार्मर सुसाइड हो चाहे वो विमेन रिलेटेड इशूज हो चाहे वो हेल्थ रिलेटेड इशूज हो चाहे वो रिलीजन रिलेटेड इशूज हो और चाहे वो इलेक्शन ही रिलेटेड इशूज क्यों ना हो ये सारे डायमेंशन को सोशोलॉजी ऑप्शनल टच करता है तो दिस दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स

तो चलिए अब बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशोलॉजी के बारे में हमने थोड़ा एक आइडिया लिया ऑन वाई यू शुड ऑप्ट फॉर सोशोलॉजी अगर आप इस डुअल माइंड में है कि सोशोलॉजी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए सो आई थिंक वो क्लैरिफाई हो गया है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट इन इट तो सोशोलॉजी मेजरली डील्स विथ योर स्टडी ऑफ सोसाइटी राइट स्टडी ऑफ सोसाइटी नाउ आप बोलेंगे सर यार सोसाइटी तो कोई नई चीज नहीं है हम तो फिलोसफी में भी पढ़ते हैं बिल्कुल सही बात है फिलोसफी में भी पढ़ते हो आप इनफैक्ट फिलोसफी इज लाइक द समुद्र मतलब इट्स लाइक द ओशन एंड उसमें एक ड्रॉप है सोशोलॉजी बट सोशोलॉजी का जो मेन फोकस है वो है सोसाइटी के स्पेसिफिक इंट्रैक्शन जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनके बीच में इंटरेक्शन और उससे क्या हो रहा है उसके इम्पैक्ट के बारे में और क्या हो सकता है तो फिलॉसफी इज लाइक एन ओशन उसका एक ड्रॉप ही है सोशोलॉजी क्योंकि फिलोसफी से ही सारे सब्जेक्ट्स निकले इवन योर एंथ्रोपोलॉजी पॉलिटिकल साइंस सोशोलॉजी ये सारे सब्जेक्ट्स ना एक्चुअली में फिलोसफी से ही निकले बट सोशोलॉजी की जरूरत बाद में इसलिए पड़ी बिकॉज कोई ऐसा एक सेपरेट डिसिप्लिन था ही नहीं जो सोसाइटी के इंटरेक्शन के बारे में बात सो यू हैड प्लेटो अरिस्टोटल सोक्रेटिस सारे लोग जो थे कहीं ना कहीं इन्होंने भी अगर आप देखेंगे सोसाइटी के बारे में अपने समय में बात करी लेकिन दे ने कैटेगोरिकली डिस्कस्ड दोशोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट की सोसाइटी में अगर यू नो मैन वुमेन रिलेशनशिप जो है उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है फैमिली पे सो वो दे नेवर वेंट टू बी इन टू यू नो दीज डिटेल्स तो इसीलिए आप देखेंगे इसकी शुरुआत एक्चुअली में सोशलॉजी की होती है एज अ सेपरेट डिसिप्लिन आफ्टर एंड सेंचुरी जहां पे हम लोग देखते हैं एक टर्म आएगा डार्क डार्क एजेस एजेस करके मेडिवल पीरियड ऑफ ऑफ योर हिस्ट्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत अंधेरा था विचारों को लेके थॉट प्रोसेस को लेके उस समय वही फिलॉसफी थी कि जो राजा बोलेगा जो चर्च बोलेगा वो मान लिया जाएगा जो रिलीजन बोल देगा वो मान लिया जाएगा अः

एक पीरियड आता है जिसमें हम लोग बोलते हैं इसके बाद एनलाइटनमेंट का पीरियड आपने शायद सुना होगा इसके बारे में सो रेन सॉन एनलाइटनमेंट सो यहाँ पे नए विचार आने लगे थिंकर्स हुए न्यूटन साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है सो पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी ऑफ द किंग कि भाई ऐसा है तो क्यों है या रिलीजन अगर ऐसा बोल रही है तो क्यों है वहां पे उस समय एक्चुअली में सोशोलॉजी एज अ सेपरेट डिसिप्लिन की शुरुआत होती है उसका जन्म होता है तो सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इज नॉट वेरी न्यू सोशोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो बहुत पुराना है फिलोसफिकल टाइम से बट एज अ डिसिप्लिन एज अ सेपरेट सब्जेक्ट ये काफी नया है थर्टीन सेंचुरी के बाद ही है तो उस समय क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च चालू हो गई डेवलपमेंट चालू हो गया नए नए थिंकर आ रहे हैं ठीक है यू हैड एंड ऑल ऑफ ऑफ दिस पीपल इन डिफरेंट डोमेन्स लाइफ डूइंग सो मच एक्सटेंसिव वर्क कि नए विचार नए साइंटिफिक डेवलपमेंट फिर आप देखेंगे कमर्शियल रेवोल्यूशन चालू हुआ नई कम्युनिटी ऑफ लोग आ गए मिडिल क्लास का इमरजेंस होता है बैंकर्स आते हैं मर्चेंट्स आते हैं उससे क्या होता है ट्रेड ग्रो करता है ट्रेड ग्रो करता है, ग्रो करता है तो उसके साथ आप देखेंगे नए नेवल वॉयजेस चालू होते हैं एक्सप्लोरर्स आते हैं कोई इंडिया जा रहा है कोई लैटिन अमेरिका जा रहा है कोई कोई नॉर्थ अमेरिका जा रहा है सो so, इससे क्या हुआ एक एक मास मूवमेंट टाइप चालू होता है जहां पे इंटरैक्शन भी बढ़ रहे हैं ठीक है सोसाइटी में और एट द सेम टाइम आप देखेंगे ये सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं जिसने सोशोलॉजी मतलब सोसाइटी में चेंज हो रहे हर दिन जो सोशल फैब्रिक है उसको समझने के लिए एक सेपरेट डिसिप्लिन की बनाने की शुरुआत करी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है मिस्टर अगस्त कॉमटे का he is referred to as the father of sociology. ठीक है अगस्त कॉम्प्टे एंड एक और है मिस्टर हर्बर्ट स्पेंसर इन दोनों लोगों का काफी इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है बट कॉमटेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अब क्योंकि डार्क एजेस के पीरियड में आप देखेंगे लोग ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाते थे क्योंकि रैशनल लॉजिक मिसिंग था सवाल करने के बट वो साइंटिफिक डेवलपमेंट से वो लॉजिक आने लगा तो एक वेव ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट देखने को मिलती है ड्यूरिंग यूरोप इन द दिडीवल पीरियड जो बाकी जगह स्प्रेड होती है सो so जो इनिशियल प्रोसेस था या जो इनिशियल आप कह सकते हैं एस्पेक्ट था सोशोलॉजी को स्टडी करने का था कि सोशोलॉजी को अगर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ें क्या इसको साइंटिफिक सब्जेक्ट की तरह पढ़ा जाए या इसको एक ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट की तरह पढ़ा जाए आप में से बहुत सारे बोलेंगे हाँ सर इसमें तो साइंस भी हो सकता है क्योंकि हर सब्जेक्ट में साइंटिफिक सब्जेक्ट में आप देखिए रिसर्च इन्वॉल्व है बिल्कुल सही बात है बट वहीं पे कुछ ग्रुप ऑफ लोग ये भी बोलेंगे कि नहीं सर ये तो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड है इसमें तो सोशल साइंसेज का एस्पेक्ट देखने को मिलता है ये भी बात बिल्कुल सही है बट क्योंकि सोशोलॉजी जब एक सेपरेट डिसिप्लिन इमर्ज हुआ ड्यूरिंग दैट पीरियड उस समय एक वेव चल रही थी साइंटिफिक रिसर्च की तो इसीलिए जो हमारे फाउंडिंग फादर है ना सोशोलॉजी के मिस्टर कॉमटे इन्होंने बोला कि भाई मैं सोशोलॉजी को एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरह स्टडी करूंगा so, इंटरेस्टिंग हो जाता है यहाँ पे कि आते हैं हैं वो बोलते हैं मैं सोशोलॉजी को एज अ सेपरेट डिसिप्लिन तो लूंगा बट इसको साइंटिफिक तरीके से पढ़ा जाए क्यों क्योंकि सोशोलॉजी क्या है इनके लिए सोशोलॉजी इनके लिए एक सब्जेक्ट है डिसिप्लिन है जो साइंटिफिक तरीके से सोसाइटी को एक्सप्लेन करेगा सोसाइटी के नहीं जाएंगे तो सोशोलॉजी एज अ साइंस के लिए क्यों कॉमटे इंस्पायर बिकॉज उस समय सारी चीजें साइंटिफिक रिसर्च पे ही चल रही तो उन्होंने बोला जैसे नेचुरल साइंसिस होती है ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी प्रूव कर देते हैं तो वैसे सोशोलॉजी भी जो है वो ये प्रूव कर पाएगा कि अगर कोई सोशल फिनोमिना हो रहा है या कोई अगर सोसाइटी में चीज हो रही है तो क्यों हुई वॉट आर द पॉसिबल इंप्लीकेशन फॉर इट तो अगर वहां पर आते हैं तो वहीं पे एक टर्म निकल के आता है पॉजिटिविज्म पॉजिटिविज्म वो फील्ड है सोशोलॉजी की जो ये बोलती है कि सोशोलॉजी को हम साइंस की तरह पढ़ें पॉजिटिविज्म कि वी विल स्टडी सोशोलॉजी एज साइंटिफिक डिसिप्लिन जैसे साइंस में हम लोग केमिस्ट्री में भाई एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर ऐसे ही अगर ए प्लस बी हुआ तो ये ही हुआ होगा या ऐसा ही होगा ये सोशोलॉजी स्टडी करेगी सोशल फिनोमिना को स्टडी करेगी और उसके एक्सप्लेनेशन हमें देगी तो अगस्ट कॉमटे स्टैंड ऑन दॉजिटिविस्ट साइड ऑफ सोशोलॉजी मतलब को स्टडी करने का कि भाई हम ऐसे पढ़ेंगे ऐसे पढ़ेंगे ऐसे पढ़ेंगे सो इनिशियल जो स्कूल थे वो साइंटिफिक तरीके से डॉमिनेट करते थे कि हम साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरह इसको पढ़ेंगे उसमें दो तीन और भी आपको देखने को मिलेंगे लोग जैसे अगस्त कॉमटे हैं इसी तरीके से एक बहुत फेमस फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट हैं एमिल डरखाइन एमिल डरखाइम इनसे इंस्पायर्ड थे आ, इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली जो स्कूल जो हम बोलते निकल के आता है वो है स्कूल ऑफ फंक्शनलिज्म so, एमिल डरखाइम का क्या कहना है कि भाई सोसाइटी में जो भी चीज पढ़ेंगे वो साइंटिफिक तरीके से तो पढ़ेंगे लेकिन वो एक फैक्ट होगा तो वहां पे एक टर्म आया एमिल सोशोलॉजी ऑफ सोशल फैक्ट तो उनके लिए मैरिज भी एक सोशल फैक्ट है फैमिली भी एक सोशल फैक्ट है और जो फंक्शनलिज्म है ना फंक्शनलिज्म बड़ी इंटरेस्टिंग स्कूल ऑफ थॉट है इन सोशोलॉजी फंक्शनलिज्म वर्ड आया है फंक्शन से तो ये स्कूल बिलीव करता है जिसको एमिल डर्खाइम फाउंडिंग फादर माने जाते हैं चैंपियन माने जाते हैं ये बोलता है कि भाई सोशियोलॉजी को आप ऐसे समझो कि सोसाइटी एक ऑर्गन है जैसे हमारी बॉडी में अलग-अलग ऑर्गन्स -अलग हैं और ह्यूमन बॉडी एक सोसाइटी है तो ये बोलते हैं कि आपकी ह्यूमन बॉडी तभी प्रॉपर्ली काम करेगी जब आपके सारे ऑर्गन्स अच्छे तरीके से काम करेंगे एक बात है सो so, A human body will work properly only when all the organs are working properly and in tandem. Simultaneously, they all are working. Even if one organ is not working properly, it will affect the body. Right? Same is the philosophy of this school. It says that society will keep on functioning properly if every aspect, every component of that society are working properly. So, Yahape, you know, functionalism breaks society down into. फंक्शनल यूनिटन ऑर्गन सारे काम कर रहे हैं वैसे ही है. तो इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग वर्क है जो हम पढ़ेंगे जो सिलेबस में भी आपके दिया हुआ है जैसे इन्होंने सोशल फैक्ट्स के बारे में बात करा इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जो आज के टाइम में भी, भी काफी रेलिवेंट है, भी भी काफी है बड़ा सेंसिटिव इशू है सुसाइड सो ही मेड अ थ्योरी ऑफ सुसाइड ही बेसिकली स्टडीड की वाई पीपल कम सुसाइड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ स्टडी इज की सुसाइड लोग अपनी वजह से नहीं करते उनका ये कहना होता है कि सोसाइटी उनको सपोर्ट नहीं कर पा रही है सो फंक्शनिज्म स्कूल जो है या फंक्शनलिस्ट जो जो पर्स्पेक्टिव है सोशोलॉजी में वो ये बिलीव करता है कि जो भी होता है सोसाइटी में वो सोसाइटी की वजह से होता है सो so, उनके लिए इंडिविजुअल का कोई रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सो फंक्शनिज्म स्कूल डज नॉट बिलीव इन द इंडिविजुअलिटी ऑफ ए पर्सन दे बिलीव विंग

हर थिंकर को याद रखने के लिए या हर थिंकर के एसेंस को समझने के लिए ना एक की वर्ड में आपको बताऊं तो डरखाइम के लिए वर्ड है सोसाइटी कि कितनी ज्यादा एक दूसरे से जुड़ी हुई है solidarity. Solidarity कितनी ज्यादा कनेक्टेड है सोलिडारिटी सॉलिडारिटी मीनिंग कितनी सौहार्द है सोसाइटी क्योंकि वो कोऑपरेशन की बात करते हैं कि सोसाइटी में हर कोई अपने आप में कोऑपरेशन हो रहा है देर इज नो सच कॉन्फ्लिक्ट

जनरली so हम इसको पढ़ते हैं दीज टॉपिक्स आर कॉल्ड एज मेजर थियोरेटिकल स्ट्रैंड्स इन सोशियोलॉजी। सो स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म स्ट्रक्चर की बात करता है कि द फंक्शन ऑफ यू नो इन अ सोसाइटी आर स्ट्रक्चरली इंटरकनेक्टेड लाइक ऑर्गन्स तो इसमें आप देखोगे टैलकट पार्सन ठीक है रॉबर्ट मर्टन ये सारे बड़े बड़े थिंकर्स आएंगे इनके बारे में आप पढ़ेंगे

नई नई सोसाइटीज बनी थी इवन हंटर एंड गैदर हुआ करते थे हम लोग तो सबके पास सब कुछ था ठीक है किसी के लिए कुछ लड़ाई करने के लिए कुछ था नहीं सो so, हर कोई वही हंटिंग गैदरिंग करता था सबके पास इतना होता था कि लोग एवरीबडी कैन ईट स्लीप एंड डू द सेम थिंग अगेन फिर धीमे धीमे एग्रीकल्चर ग्रो हुआ ठीक है लोगों के पास सरप्लस आने लगा सो so, जो प्रीवियस सोसाइटीज सोसाइटीज हैं

यू कम टू सिटीज वहां पे जो एक कोऑपरेशन की फीलिंग देखने को मिलती है जो सॉलिडारिटी देखने को मिलती है उसको डरखाइन बोलते डर खाइन बोलते ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी अगेन रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गन कि हम लोग बहुत ज्यादा इंटर डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे जैसे आज इस क्लास को रन करने में मैं डिपेंडेंट हूँ मैम पे ठीक है इफ शी इज नॉट प्लेइंग आई कैनॉट टीच बिकॉज शी कैनॉट रिकॉर्ड

सोसाइटी के परस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे नहीं जा रहे सो बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट अ जनरल सोसाइटी का परस्पेक्टिव दे आर टेकिंग अ टॉप व्यू ऑफ सोसाइटी और इस अप्रोच को बोला जाता है मैक्रो टेकिंगस्पेक्टिव इन सोशोलॉजी मैक्रो परस्पेक्टिव मीन्स ओवर व्यू ऊपर से नॉट गोइंग इन टू टू मच डिटेल एट द इंडिविजुअल लेवल सो मैक्रो परस्पेक्टिव ऑफ सोशोलॉजी सो अगस्ट कॉमटे एमिल डर पार्सन टू टू एन एक्सटेंट मर्टन बिकॉज मर्टन ऑफ भी आप देखेंगे मिडिल रेंज थीज की बात करेंगे सो दीज पर्सपेक्टिव गिव यू एन आइडिया की हम सोसाइटी के ऊपरी पहलू से समझने की कोशिश करते हैं कि सोसाइटी चल किसे रही है सोसाइटी के अंदर हो क्या वॉट एवर इज है सोसायटी हाउ इट इज फंक्शन राइट ना ऑब्वियसली इसके बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही थिंकर्स हैदर थिंकर अबाउट अदर थिंकर फ्रॉमर द मोस्ट फेमस इनको मैं मार्क्स बाबा बुलाता हूं कार्ल मार्क्स ऑल्सो कॉल्ड एस थ्योरिस्ट इनके लिए सोसाइटी में सब गड़बड़ है कुछ सही नहीं चल रहा है सब बर्बाद हो चुका है बेसिकली बंटा ढार हो गया है सोसाइटी का क्यों क्योंकि बोलते हैं सोसाइटी में सिर्फ क्या हो रहा है दो टाइप के क्लासेस हैं हैव्स एंड है मतलब एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास सब कुछ है जिनके लिए वर्ड यूज करते हैं बोर्जवाजी फ्रेंच वर्ड और बेसिकली द कैपिटलिस्ट पूंजीवाद जो बिजनेसमैन है जो ओनर है और हैव नॉट मतलब जिनके पास कुछ नहीं बेचारे गरीब जो वर्कर हैं उनके लिए वर्ड यूज होता है प्रोलिटेरियट जो डेली वेनर्स हैं या वर्कर मार्क्स बोलते हैं भाई सोसाइटी में जो भी गड़बड़ है वो इसी की वजह से ये सिस्टम की वजह से ही सारा गड़बड़। तो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी कार्ल मार्क्स की जो हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कैपिटलिज्म इसके अलावा हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कैसे सोसाइटी इवॉल्व हुई है आ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ सरप्लस जो एड होता चला गया तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है रिलीजन और भी दो ही क्लास एग्जिस्ट करती है एक वर्किंग क्लास और एक ओनरशिप क्लास जो ओन करती है और इनके बीच के रिलेशनशिप ही सोसाइटी को डिफाइन करता है और इनके बीच का रिलेशनशिप कहता है मेजरली कार्ल मार्क्स कहते हैं लड़ाई का ही है क्योंकि जो ओनर है वो कभी भी पैसा ज्यादा देना नहीं चाहता नीचे वाले को और नीचे वाला जो है वो ज्यादा काम करके ज्यादा पैसा कमाना चाहता है लेकिन प्रॉफिट कहां से आएगा प्रॉफिट कैसे बनता है जो बिजनेस ओनर हो उसका वो क्या करेगा आपसे काम ज्यादा करवाएगा बेसिकली आपकी लेबर पावर ज्यादा यूज करेगा ठीक है लेकिन जो वेज होगी उसको कंपेरेटिवली कम देगा सो लेबर पावर माइनस वेज गिव्स प्रॉफिट और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इनके बीच में ये डिफाइन करता है सोसाइटी सो so, ये कालमार्क्स की थियोरी अगेन माइक्रो इन सारे स्कूल के थॉट प्रोसेस को देखने के बाद कुछ नए स्कूल्स इमर्ज हुए नए थॉट प्रोसेस या थ्योरिटिकल स्ट्रेंड इमर्ज होते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट दूसरे इंसान जो आप देखेंगे वो है मिस्टर मैक्स वेबर तो बोलते यार ऐसे नहीं चलता आप बस एक्टर एक्टर का रोल खत्म कर दे रहे हो सोसाइटी सोसाइटी का रोल लेके चल रहे हो आप लाइक व्हाट यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट इज वॉट एवर हैपनिंग फ्रॉम द सोसाइटीज सोसाइटीटिव एंड फ्रॉम द कम्युनिटीज परसपेक्टिव या क्लास परसपेक्टिव बट इंडिविजुअल का तो रोल है ही नहीं ऐसा थोड़ी होता है इंडिविजुअल के खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं इंडिविजुअल के अपने खुद के लर्निंग्स uh, होती है मीनिंग्स होती है मोटिव होता है सो मैक्स वेबर जो है इनको बोला जाता है इंटरप्रेटेटिव अप्रोच इंटरप्रेटेटिव अप्रोच इंटरप्रेट करना बड़ा इंटरेस्टिंग इनका मैं आपको क्विकली एक थ्योरी बताता हूं मैं आपको आई एम नॉट ऑफ यू आर यू धोनी फैन

सो so, अब जो सामने वाला टीम का बैट्समैन है उसको तो लगेगा हाँ ठीक है उसके दर्द होगा इसलिए जर्क कर रहा है बट वो कई बार सिग्नल होता है रविंद्र जडेजा या किसी बॉलर को कि इधर बॉल डाल सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड में मैक्स वेबर का जो कॉन्सेप्ट है दैट कैन हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग दिस सो मैक्स वेबर ने बेसिकली वैसे तो ये टर्म उन्होंने नहीं दिया था बट इस टर्म का यूज उन्होंने बड़ा फेमस uh, कर दिया सो अ जर्मन वर्ड कॉल्ड एज V E E E R S T -E H -E N. टिक अंडरस्टैंडिंग डीपर अंडरस्टैंडिंग अगर आपको किसी चीज की चाहिए तो उसके लिए आपको वर्ड स्टैंड का यूज करना पड़ेगा सो द जर्मन वर्ड सो दो टाइप के वर्ड स्टैंड होते हैं Actualis and it will run this direct observation, and this is based on deeper empathetic understanding. अब इसका यूज करके कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे धोनी के uh, को सो मैक्स वेबर बोलते हैं कि अगर आपको सोसाइटी में किसी के एक्शन को समझना है सो सोशल एक्शन उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है सो मैक्स वेबर बोलते हैं कि भाई सोशल एक्शन समझने के लिए आपका एक तो तरीका है कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है आप जो कर रहे हो आप देख रहे हो उसको समझ रहे हो उसे पूरी ना प्रॉपर पिक्चर नहीं दिखती सोसाइटी में नॉट सी दी ओवरऑल पिक्चर तो अगर रियल पिक्चर समझनी रियल इंटेंशन समझने रियल अंडरस्टैंडिंग आपको समझनी है किसी के एक्शन की वो आ सकती है थ्रू एक्लर आंदिसंग यू हैव टू बी इन दूस ऑफ दैट पर्सन तो धोनी जब जग करते हैं ऐसे ये ऐसे जग करते हैं तो सामने वाले बैट्समैन को लगते हैं हाँ ठीक है उसके बेबी शोल्डर में पेन होगा टू स्ट्रेच

अगर हाँ ठीक है लेट हो गया होगा बेसिकली इसलिए दौड़ लगा रहा है बस को पकड़ने के लिए सो ऑफ एन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन यू जस्ट द आप समझते हो दे आर लेट फॉर इज इंटरव्यू

सोशल एक्शन क्या होता है इसके बारे में उन्होंने बात करी सो बड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग डिसिप्लिन है यू विंजॉय सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रियली कॉन हेल्प यू ऑन हाउ यू यूटिलाइज क्रिएट एग्जाम्पल इन राइटिंग अंसर इथ एग्जामिनेशन तो ये मैक्स फेबर आइडियल टाइप एंड देन अथॉरिटी की बात कर दे सो so, ये मैक्स वेबर आप देखेंगे ही लाइज ऑन द अदर एंड ऑफ कंटिन्यूम तो जैसे मैंने बोला था कि मैं आपको लाइन ड्रॉ करके बताता हूं कि कौन कहां पे लाइक करता है सो लेट्स से कि सोशोलॉजी को पढ़ने के अलग अलग अप्रोच हैं। एक है मैक्रो अप्रोच जो ओवरव्यू या सोसाइटी के लेवल पे बात करता है एंड दूसरा है माइक्रो अप्रोच जो इंडिविजुअल या एक्टर के लेवल पे बात कि भाई हम सोसाइट सर्षा, सोशोलॉजी उसको इंडिविजुअल के परस्पेक्टिव से समझेंगे सो so यहां पे यू हैव मिस्टर अगस्त कॉमटे स्पेंसर ठीक है यू हैव डर यू हैव मार्क्स दूसरी साइड इज माइक्रो साइड में जो है पढ़ाने वाले हमारे जो हैं वो हैंट ऑफ पीपल अट इटेंट थ्योरी है वो है सिंबोलिक इंटरक्शनिज्म थ्योरी कॉन्सेप्ट कॉल्ड इज सीनो मीनोलॉजी कॉन्सेप्ट कॉल्ड इज एथिनो मेथोडोलॉजी सो ये लोग क्या करते हैं ये वाला जो अप्रोच है ना ये इंडिविजुअल लेवल को स्टडी करता है ये बेसिकली बोलता है कि हर किसी का ना एक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर मोटिव ड्रिवन है और वो एक सिंबॉलिक मीनिंग अटैच है उसके प्रति उसमें आप देखेंगे दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट थिंकर्स एंड अप्रोच हैं एडमंड हसरल की थ्योरी है जैसे ये फिनोमिनोलॉजी हेरल्ड गारफिंकल ये एथनोमेथोलॉजी के बारे बार बात करते हैं चार्ल्स कूटन कूली की बड़ी फेमस थ्योरी मेन्स में क्वेश्चन आया था इसके ऊपर लुकिंग ग्लास सेल्फ हर्बर्ट ब्लूमर जनरली माने जाते हैं इसके वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स हर्बर्ट ब्लूमर जीएच मीड ये सारे लोग इस साइड में जो इंडिविजुअल के रोल को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते लुकिंग ग्लास सेल्फ ठीक है देन देर इज मिस्टर एरविंग गोफमेन ये 2023 के मेंस का क्वेश्चन है इनकी थ्योरी ड्रामेटर्जिकल एनालिसिस ड्रामेटर्जिकल एनालिसिस ड्रामा ये बोलते हैं कि भाई सोसाइटी में जो भी आप करते हो आपका एक रियल लाइफ होती है हो, हो, और एक स्टेज लाइफ होती है और बैक लाइफ होती है कि जो आप सोसाइटी में करते हो जैसे आप किसी से मिल रहे हो तो मे बी ऑर स्माइलिंग एंड हैप्पी एन एवरीथिंग बट रियलिटी में शायद कुछ और हो सकता है तो बोलते हैं कि हमारा जो लाइफ एक स्टेज है और आप सब उसके एक्टर हो उस स्टेज में सो so आप सामने जो प्रेजेंट करते हो वो आपका स्टेज लाइफ है और एक आपकी बैक लाइफ है लुकिंग ग्लास सेल्फ जो जोड़ी चार, चार बोलते हैं इज लाइक यू लुक इन द मिरर तो आप वो मानते हो अपने बारे में जो आपको लगता है कि सोसाइटी आपके बारे में परसीव करती है सो so इसका बेस्ट एग्जाम्पल आज के टाइम पे सोशल मीडिया है सोशल मीडिया में वी आर ट्राइंग टू बिकम समी और सम दैट वी आर नॉट एक्चुअली ट्रूली आर

अब इसी को आपको अलग अलग चैप्टर्स में अप्लाई करना है चाहे वो रिसर्च मेथड हो चाहे वो स्ट्रेटिफिकेशन हो चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे वो रिलीजन हो चाहे वो मॉडर्निटी हो ट्राइबल सोसाइटीज हो हर जगह इन्हीं का एप्लीकेशन सो आई होप सेशन वाज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच कुछ समझ में आया आपको